नमस्कार, मैं शोभाराम फार्मा द जर्नलिस्ट कृषि जागरण की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिखाते हैं आपको तिल की खेती। कम पानी में तिल की खेती देख सकते हैं कितना बढ़िया उपज है। धान जिस तरह से मौसम इस बार बारिश नहीं हुई है, दिक्कत हो रहा है लोगों को सिंचाई के लिए, उस हिसाब से तिल की खेती बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ छोटी नहर है एक, उस नहर की वजह से घाघरा पंप कैनाल, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल कर दिए हैं, तो वो चलता है, जिसके वजह से यहाँ पे धान की खेती काफ़ी बेहतर है देखने में। लेकिन और क्षेत्रों के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। इस बार बारिश ना होने के कारण धान की फसल में बहुत तरह से रोग भी देखे जा रहे हैं। बढ़वार एक सामान्य नहीं है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा है। उस हिसाब से देखा जाए तिल की खेती एकदम हल्की जुताई, थोड़ा सा बीज, खाद भी नहीं डालना है, ना कोई दवा डालनी है। बहुत अच्छी फलत इस समय देखे, फल फूल है, बहुत अच्छी फलत आ रही है इसमें, एकदम फल कर तैयार है। मात्र 15 दिन के अंदर ये तिल कटने लगेगी और तिल कटने के बाद तुरंत जो है फिर से लाही या राई आप जो चाहे बो सकते हैं। कम दिन की आप लाही लेना चाहते हैं तो तिल कटने के तुरंत बाद आप लाही बो दीजिए और लाही कटने के बाद तब आप गेहूं लीजिए। लगभग 60 से 70 दिन में लाही तैयार हो जाती है, जो देसी वैरायटी काली लाही है उसका भी उपज काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद गेहूं, तब भी तो तीन फसल किसान को मिल जा रहा है, गेहूं भी मिल जा रहा है, लाही भी मिल जा रही, इधर तिल मिल जा रहा है। और धान कटने के बाद, धान मान लीजिए आपका लेट कटा तो आप लाही ले नहीं सकते। तिल वैसे भी मार्केट में 70-80 रुपये किलो बिक रही है और काली तिल, इसका तेल भी काफ़ी बेहतर होता है, जो पूजनीय है, अक्सर हर जगह दीप जलाने के काम आ रहा है, तो उस हिसाब से लगभग ठीक ठाक है। किसान को एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है तिल से, पानी कम लगता है, मेहनत भी कम है धान की अपेक्षा। जहाँ पे पानी कम है, साधन कम है, उस जगह पे तिल की खेती बहुत अच्छी है। और इसके बाद आप लाही ले सकते हैं, लाही के बाद जो है आप सीधा गेहूं बो सकते हैं। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।